हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अपनी पसंदीदा कहानियाँ देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना भूलिएगा मत। भानु के माँ बाप के एक हादसे में कच्ची उम्र में ही मौत हो गई थी। उसका सारा बचपन अनाथालय की झिड़कियां और मार खाते हुए बीता, मगर उसमें आत्मविश्वास और मेहनत की कोई कमी नहीं थी। अपने इसी आत्मबल और मेहनत के बल पर उसने शहर में अपनी पहचान बनाई थी। 18 साल का होने पर उसने अनाथालय छोड़ा और आज 30 साल की उम्र में शहर में उसका अपना एक अच्छा खासा शोरूम था। वक्त बीतने के साथ शहर के एक रईस गणपत राव की बेटी रमा के साथ उसकी शादी हुई। सब कुछ अच्छा चल रहा था। भानु के घर एक बेटे का जन्म हुआ। उसे भी लगा जैसे उसकी बदनसीबी के दिनों का अब अंत हो चुका है, मगर भानु के नसीब में भी ज्यादा दिन सुख भोगना ना लिखा था। उस रोज रात के 1 बजे थे। उनके घर में उनका 5 साल का बेटा बेहोश पड़ा था। उस बच्चे के बगल में एक डॉक्टर उसकी जांच कर रहा था। भानु एकटक अपने बच्चे को देख रहा था, वहीं रमा उसके कंधे पर सिर रखकर रो रही थी। I'm sorry. आपके बेटे को दिमागी बुखार हुआ है। मेडिकल भाषा में इसे मेनिनजाइटिस कहा जाता है। आपके बच्चे की उम्र बहुत कम होने के कारण यह बीमारी बहुत ही घातक होती है। आपका बेटा बस एक आध महीने और। अभी डॉक्टर की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि रमा फूट फूट कर रोने लगती है। आंखें तो गोपाल की भी भरी हुई थी, पर उसने किसी तरह खुद को संभाला और डॉक्टर से कहा, ऐसा मत कहिए डॉक्टर साहब, आप इतने बड़े डॉक्टर हैं, मेरा एक ही बच्चा है, इसे बचा लीजिए। आप पैसों की बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं अपना सब कुछ बेच दूंगा। देखिए, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा है, अब तो कोई चमत्कार ही आपके बच्चे को बचा सकता है। इतना कहकर डॉक्टर चला जाता है। भानु और रमा दोनों अपने बच्चे के पास ही बैठकर रोने लगते हैं। रात बीती और दिन निकल आया। आज भानु ना अपने काम पर गया और ना ही रमा ने घर का कोई काम किया। दोनों भूखे प्यासे अपने बेटे के सिरहाने बैठे रहे। बच्चे को ताकते ताकते उनकी आंखें सूज गई थी। फिर भानु उठा और पूजा घर में बने भगवान शिव की मूर्ति के सामने गया और कहा, क्या दुनिया की सारी तकलीफ मेरी किस्मत में लिखी है तुमने? कच्ची उम्र में माँ बाप छीनकर अनाथ बना दिया और अब मेरे बच्चे को भी मुझसे छीनना चाहते हो। भगवान, आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, मगर आज मांगता हूं। अगर तू सच में है तो बचा ले मेरे बच्चे को, बचा ले। अभी भानु ये बोल ही रहा था कि दरवाजे से एक आवाज आई, अलख निरंजन। दोनों पति पत्नी बाहर आए, देखा एक साधु वहाँ खड़े हैं। उनके चेहरे पर एक विचित्र तेज है। दोनों की निगाहें उनके चेहरे से हट ही नहीं रही थी। तेरे द्वार पर साधु आए हैं बच्चा, द्वार पर ही खड़ा रखेगा। भानु और रमा की जैसे नींद भंग हुई। दोनों ने एक साथ कहा, आइए आइए बाबा, अंदर आइए। साधु अंदर आता है और भानु से कहता है, इस घर में बड़ी मनहूसियत छाई हुई है बच्चा। क्या बात है बच्चा, मुझे बता, साधु से कुछ नहीं छुपा? भानु साधु की बात सुनते ही फफक कर रो देता है और कहता है, बाबा मेरा बच्चा अब नहीं बचने वाला, उसे दिमागी बुखार हो गया है, सबने हाथ खड़े कर लिए हैं, अब तो कोई चमत्कार ही उसे बचा सकता है। रो मत बच्चा, उसके घर में देर है अंधेर नहीं, तेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देख, वो अभी अपनी बेहोशी से उठेगा और तुझे आवाज लगाएगा। भानु और रमा को आश्चर्य हुआ। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाते, अंदर से उनके बच्चे की आवाज आई, माँ, पापा। भानु और रमा दोनों दौड़े दौड़े उसके कमरे में गए। देखा उनके बेटे ने आंखें खोल दी हैं और उनको पुकार रहा है। दोनों की आंखें खुशी से भर आईं और वे साधु के चरणों में गिर पड़े। उठो बच्चा, देखो उसने रास्ता दिखाया, तेरे बच्चे को होश आ गया, लेकिन अभी परीक्षा खत्म नहीं हुई है। तू अपने बच्चे को बद्रीनाथ लेकर जा, देखना वहां से तेरा बच्चा एकदम स्वस्थ होकर लौटेगा। जा, अब देर ना कर। अगले ही दिन भानु और रमा अपने बच्चे को गोद में लेकर बद्रीनाथ की यात्रा को निकल पड़े। पहाड़ी तक का रास्ता तो उन्होंने बस से तय किया, अब आगे की पहाड़ी का रास्ता उन्हें पैदल ही तय करना था।
मीलों लंबी बर्फ से ढकी चढ़ाई थी, लेकिन अपने बच्चे के लिए दोनों कुछ भी करने को तैयार थे। उन्हें चलते हुए 4 दिन हो गए। उनके पास न खाना था और न पानी। एक जगह जाकर रमा बैठ गई और बोली, बस अब और नहीं चला जा रहा है। कल से पानी की एक बूंद नहीं गई है गले के नीचे। कहीं से थोड़ा पानी ले आओ। भानु ने उस समय अपने बेटे को गोद में उठाया हुआ था। उसे रमा को देकर वो पानी लाने गया। काफी देर भटकने पर भी उसे कहीं पानी नहीं मिला। वो निराश होकर रमा के पास आया और बोला, देखो रमा, यहाँ तो कहीं पानी नहीं मिला, चलो कुछ आगे चलकर देखते हैं। रमा की हालत सच में बहुत खराब थी। उसके दोनों पैर छालों और घावों से भरे हुए थे, मगर अपने बच्चे के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। अभी दोनों कुछ ही आगे बढ़े थे कि पीछे से आवाज आई, लो बेटी पानी पी लो। रमा ने देखा एक बूढ़ा आदमी वहाँ पानी का मटका लिए खड़ा है। रमा और भानु दोनों ने उसके मटके से पानी पिया। पानी पीकर ऐसा लगा जैसे उनके शरीर में एक नई जान आ गई है। उनके चेहरे का तनाव ढीला हो गया और एक नई उमंग के साथ दोनों आगे बढ़े। 3 दिन तक फिर वे यूं ही चलते रहे। अचानक एक दिन उनके साथ फिर एक अनहोनी हो गई। उन पथरीले रास्तों में एक भयानक सांप छुपा बैठा था। उसने भानु के पैरों में डस लिया। जहर इतना तेज था कि भानु तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ा और उसके मुंह से झाग निकलने लगे। रमा के होश उड़ गए। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। हे भोलेनाथ, रक्षा करो। तभी वहां बीन की धुन गूंजने लगी। ना जाने कहां से वहां एक सपेरा प्रकट हुआ। उसने अपने झोले से एक सफेद मणि निकाली और जहां सांप ने डसा था वहां उस मणि को रखा। देखते ही देखते वो सफेद मणि नीली पड़ गई और भानु के शरीर का सारा जहर उस मणि के अंदर समा गया। भानु ऐसे उठ बैठा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। भानु और रमा ने सपेरे को पैसे देने चाहे, मगर उसने मना कर दिया। दुनिया का हर काम पैसे के लिए नहीं किया जाता है। अगर मेरे इस काम का मोल चुकाना ही चाहते हो तो अपनी ही तरह मुसीबत में फंसे किसी की मदद कर देना। इतना कहकर सपेरा जैसे आया था वैसे ही चला गया। इसी तरह कई मुसीबतों का सामना करते हुए आखिरकार दोनों बद्रीनाथ की गुफा तक पहुंच ही गए। गुफा में पहुंचते ही जैसे बाबा ने अपना चमत्कार दिखाया। बच्चे को बाबा के चरणों में रखकर अभी वो मन्नत मांग ही रहे थे कि उनका बच्चा ऐसा उठकर बैठ गया जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। बच्चे को सही सलामत देख दोनों की आंखें भर आईं और उनका मन श्रद्धा से भर उठा। दोनों श्रद्धा भरी आंखों से शिवलिंग को देखने लगे। तभी दोनों को उस शिवलिंग में 3 अक्ष दिखाई दिए। पहला अक्ष साधु का था, दूसरा उन्हें पानी पिलाने वाले बुजुर्ग का और तीसरा अक्ष सपेरे का था। भानु समझ गया कि बाबा ने अपना चमत्कार दिखा दिया है। बाबा ही कदम कदम पर उसके साथ थे और हर मुसीबत में उसका साथ दिया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।